और ब्लू नेक्स्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं इस समय मौजूद हूँ मुलुंड पश्चिम के पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग के गाला कंपनी के बाजू में स्थित सीता नगर इलाके में। आलम यहाँ कर यहाँ पर इस प्रकार है कि पिछले 10 दिनों पर यहाँ पर रोड के बीच में नाले का काम चालू है, नाले को डाइवर्ट किया गया है, पर उसी के ठीक सामने सीता नगर में एक नाला करीब 15 दिन से भरकर जाम हो चुका है और उसका गंदा पानी लोगों के घरों में घुस रहा है, रास्ते पे बह रहा है, जिसके कारण यहाँ पे दुर्गंध और बीमारियों का प्रकोप मचा हुआ है। मैं यहाँ बात करना चाहूँगा स्थानीय के नागरिकों को, जिनके घर जो इस बेहद पीड़ा से गुजर रहे हैं और जिनके घरों में पानी जा रहे हैं, किस तरह की तकलीफों का सामना कर रहे हैं, मैं बताना चाहूँगा और उनसे बात करना चाहूँगा। ये देखिए यहाँ पर किस तरह गटर का गंदा पानी पहले तो यहाँ पे सड़क पर बह रहा है और मैं यहाँ बात करना चाहूँगा यहाँ के स्थानीय नागरिक। नितिन भाई, आप यहाँ के स्थानिक हैं, क्या समस्या और कब से है और कहाँ कहाँ आपने शिकायतें कराई? सब दो तीन घरों में यहाँ पे पानी जा रहा है, हमने कई कम्प्लेंट्स की कई सब की, लेकिन हर टाइम हर बारिश के पहले का प्रॉब्लम है और यहाँ पे नाला साफ करने कोई देखने के लिए कचरा उठाने कोई यहाँ पे आता नहीं। अभी तक अपने स्थानिक नगर से वो यहाँ पे कभी तक आए नहीं हमें समस्या पूछने के लिए क्या है क्या है क्या नहीं। और यहाँ पर जो नाले का काम होने वाला था, ये जो बड़ा नाला है जिसमें नाला ज्वाइंट होता है, तो नाले का काम करने के लिए आए हुए थे कामगार लोग, लेकिन यहाँ पर जो बिल्डिंग का काम चालू है उन लोग ने काम बंद करवाया है, उसके वजह से ये अभी हम लोग को तकलीफ हो रही है। कितने दिनों से ये तकलीफ है और 15 दिनों से तकलीफ हम लोग को हो रही है। आपने शिकायत की कहाँ कहाँ की? शिकायत महानगर पालिका में की, नगर सेवक के ऑफिस में जाकर की, लेकिन यहाँ पर अभी तक कोई ये देखने के लिए कोई नहीं आया। अभी यहाँ पर हमारे साथ तो कुछ महिलाएं, ताई क्या समस्या है आप, क्या है? कल रात से 8 बजे से लेके घर में पानी हम लोग निकाल रहे हैं, कोई कोई चीज का ये नहीं आ रही, गटर साफ हमको कोई नहीं आ रहा है, कितना सालों से गटर साफ कर रहे हैं, अभी तक बारिश नहीं है। बारिश गए, बारिश में हर बारिश में भी तकलीफ और बिना बारिश का भी यही तकलीफ, अब क्या करना है, क्या समस्या है? किस किस से आपने शिकायत की इस बारे में? मैं टीवार्ड में जाके शिकायत किया। अभी यहाँ पर मेरे साथ में उपस्थित हैं यहाँ के स्थानिक और समाज सेवक श्री मंगेश भाई। मंगेश भाई, आप यहाँ के स्थानिक हैं, लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, समस्या गंभीर है, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो सुलभ जी, मुझे हमारे वार्ड अध्यक्ष निखिल भाई ने फोन किया और इस समस्या की जानकारी दी। ये सबसे बड़ी निंदनीय घटना है कि किसी के घर में गटर का पानी जाए और रात भर से वो पानी निकालते रहे, वो पानी की वजह से उनके घर में अगर किसी को बच्चे को उनके अगर सेहत को अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ, इसका जिम्मेदार कौन? आप अगर अभी देख रहे हैं बड़े बड़े होल्डिंग लग रहे हैं कि संसद का कामकाज एक दिन वेस्ट होने की वजह से इन लोग भूख हड़ताल पे बैठे हैं, तो ये जवाबदारी किसकी है? ये जवाबदारी उनकी है, यहाँ के जो नगर सेवक है कभी एरिया में आते नहीं है और इस प्रकार की जो समस्या सामने आती है फिर भी उसका निवारण नहीं होता है, वारंवार तकरार करने के बाद भी आप जैसे पत्रकार के माध्यम से हमें सामने आना पड़ता है और उसके बाद हमारा काम होता है, ये निंदनीय बात है और मैं इनका जाहिर निषेध करता हूँ। ये देखिए यहाँ पर इनके घर में पानी घुसा हुआ है, गंदा पानी, कल रात से इनके घर में पानी घुसा हुआ है, खुद निकालने के लिए मजबूर हैं। महानगर पालिका और जनप्रतिनिधि को शिकायत करने के बाद भी अभी तक यहाँ पर कितने बजे से आंटी? 8 बजे से हम लोग निकल रहे हैं। लोग अपने जेब से पैसा डालकर यहाँ काम करवा रहे हैं, अभी एक बुला के उसको ऐसा किया, कभी पानी पिला, बहुत हालत खराब है, सुबह से ना खाना भी ना खाए, ना यही पानी लगाने में जुटे हुए। अभी वो जैसे निकाला ना तो थोड़ा ये कम हुआ, अभी उनका किया।